ये वो गौहर शाही हैं जिन्होंने 3 साल तक सहवन शरीफ की पहाड़ियों और लाल बाग में अल्लाह के इश्क की खातिर चिल्ला कशी करी, अल्लाह को पाने की खातिर दुनिया छोड़ी, फिर अल्लाह के हुक्म ही से दोबारा दुनिया में आए। लाखों दिलों में अल्लाह का जिक्र बसाया और लोगों को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ रागिब किया। हर मज़हब वालों ने गौहर शाही को मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में रूहानी खिताब के लिए मदु किया और ज़िक्र कल्ब हासिल किया। बेशुमार मर्द व जन उनकी तालीम से गुनाहों से तायब हुए और अल्लाह की तरफ झुक गए। बेशुमार लाइलाज मरीज उनके रूहानी इलाज से शिफायाब हुए। फिर अल्लाह ने उनका चेहरा चांद पर दिखाया, फिर हजरे अस्वद में भी उनकी तस्वीर जाहिर हुई। पूरी दुनिया में उनकी शोहरत हो गई, लेकिन कोर चश्म मौलवियों को और वलियों से हसद बुग्ज़ रखने वाले मुसलमानों को ये शख्स पसंद ना आया। उनकी किताबों की तहरीरों में खयानत करके उन पर कुफ्र और वाजिबुल कत्ल के फतवे लगाए। मैनचेस्टर में उनकी रहाइश गाह पर पेट्रोल बम फेंका। कोटरी में दौरान खिताब उन पर हैंड ग्रेनेड बम से हमला किया गया। लाखों रुपए इनके सर की कीमत रखी गई। 5 किस्म के संगीन झूठे मुकदमात अंदरून मुल्क उनको फंसाने के लिए कायम किए गए। नवाज शरीफ की वजह से हुकूमत सिंध भी शामिल हो गई थी। 2 केस कत्ल, नाजायज़ असलाह, नाजायज़ कब्ज़ा का दफा भी लगाया गया। अमरीका में भी 1 औरत से ज़्यादती और हब से बेजा का मुकदमा बनाया गया। जर्द सहाफत ने उन्हें ज़माने में खूब बदनाम किया, लेकिन आखिर में अदालतों ने सुनवाई और तहकीकात के बाद तमाम मुकदमात झूठे करार देकर खारिज कर दिए और अल्लाह ने अपने इस दोस्त को हर मुसीबत से बचाए रखा।